मेरा नाम पार्थो शेखर चैटर्जी है और मैं डॉग गेम में 50 साल से जुड़े हुए हूँ और करीब 35 साल का ऊपर हम डॉग शो जजिंग किए हैं। इसमें हम करीब 150-200 बार फॉरेन कंट्रीज गए हैं, 24 तो कंट्री में, और बड़े बड़े कंपटीशन में हमको अफिशिएट करने के लिए बुलाया गया था। तो मेरा डॉग गेम तो हम एंजॉय किए हैं। पहले तो हम ब्रीडिंग करते थे, बहुत ब्रीडिंग किए हैं, बहुत चैंपियन ब्रीड किए हैं। उसके बाद डॉग शो जजिंग किए, उसमें भी हम डॉग का मजा लिए हैं, डॉग सीखे हैं और अभी भी सीख रहा हूँ और दूसरों को भी सिखाने का कोशिश भी करता हूँ। तो ये मेरा पैशन है और हम कभी कमर्शियल बेसिस में ब्रीड करके बच्चा बेचने में कभी नहीं लगे थे। अपने के लिए डॉग ब्रीडिंग कर किए थे और वो जो डॉग ब्रीडिंग करते थे अपने लिए अच्छा करने के लिए, तो उसमें से हम कुछ अच्छे अच्छे डॉग लवर को भी डॉग्स दिए हैं। वो लोग भी बहुत कंपटीशन जीते, सारा इंडिया में, बाहर में। अभी जो माहौल आ गया है डॉग गेम में लास्ट टू डिकेड्स, वो आगे का तरह नहीं है। इसमें जो है अभी कमर्शियलाइजेशन हो गया, खैर वो तो होना ही था, उसके लिए देर इज नो प्रॉब्लम। बट जो हुआ है तो है कि हम लोग का कोई प्रॉपर केनल क्लब नहीं है जो डॉग का लिए, डॉग गेम को प्रमोट करने के लिए जो ज़रूरत है वो करे। जैसे कि देखिए, क्रिकेट आगे पॉपुलर उतना नहीं था, पॉपुलर जब क्रिकेट को पॉपुलर कर दिया गया तो अभी क्रिकेट सारा इंडिया में नंबर वन गेम में चला गया है। आगे का ज़माना में जो क्रिकेट था खाली टेस्ट मैचेस होता था, तो वैसे ही डॉग गेम बहुत बढ़ा हुआ है, डॉग्स भी संख्या में बहुत बढ़ गया है। मगर आप देखेंगे कि ब्रीडिंग का क्वालिटी बहुत ख़राब होते जा रहा है, पेडिग्री का मेंटेनेंस तो है ही नहीं है, कोई केनल क्लब तो इसमें खाली पैसा लेने में लगा हुआ है और जो माइक्रोचिप और ये सब है इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि आप माइक्रोचिप 700-700 बच्चा का माइक्रोचिप आपका पास आ जाता है, वो पेपर आपका पास आपको बेचना ही होगा, क्योंकि 3-4 महीना बाद आता है बच्चा, तब तक बिक गया होता, कुछ बच्चा मर भी गया होता, तो वो माइक्रोचिप और पेपर वो बाज़ार में जो बिक जाता है वो जाके आदमी कोई भी डॉग को दे देने से वो डॉग वो पेडिग्री का हकदार बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ब्रीडिंग का कोई जब तक नहीं डीएनए होगा, जब तक प्रॉपर केनल क्लब कोई सोचेगा कि डॉग लवर के लिए, और जैसे कि इंडिया इतना वास्ट जगह है, 30 तो स्टेट है, हाँ तो वो कैसे, 30 तो स्टेट है तो 30 केनल क्लब होना चाहिए और उसको जुड़ा हुआ एक तो फेडरल केनल क्लब होना चाहिए, उसका रिप्रेजेंटेटिव लेके तब ये बड़ा हो सकता है, तब ये स्पोर्ट बड़ा हो सकता है। इसमें जुड़े हुए आदमी लोग जो ट्रेनर है, हैंडलर है, ब्रीडर है, इसको और बढ़ा सकता है। मगर ये है कि कुछ एक तो क्लब बना लिया और उसमें कंट्रोल ले लिया और उसमें आदमी को लूटने का एक रास्ता बना लिया। हाँ, जो भी देखते हैं डॉग शो सब फिक्स्ड होता है, जजेस फॉरेन कंट्री से मंगाया जा रहा है, वो आपका आगे से बोला रहता है कि ये सब कुत्ता को आप इंडिया के जिताइए, तो हम लोग का इज्जत सारा वर्ल्ड में बहुत ख़राब हो गया। तो ये माहौल को ठीक करना बहुत ज़रूरी है और हम तो अपील करेंगे कि सब नया जनरेशन का डॉग लवर, हम लोग तो सोचिए कि हम लोग का डॉग गेम तो मेरा आई एम नॉट ऑल 65 बट आई एम स्टिल एंजॉइंग लर्निंग अबाउट डॉग्स। हम सीख रहे हैं, सिखाने कोशिश कर रहे हैं, मेरा बहुत स्टूडेंट्स भी हैं। मगर यह है कि डॉग लवर्स को जुटना चाहिए एक साथ कि इसका प्रॉपर पेडिग्री मेंटेनेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर ब्रीडिंग किया करने हैं, क्योंकि डीएनए नहीं करेगा एक दो भाई को दो डिफरेंट पेडिग्री, दो डिफरेंट माइक्रोचिप लगा दिया तो दो डिफरेंट हो गया, तो उसी ब्रीडिंग चल रहा है, किसी को पता ही नहीं है किसका बच्चा किसके। आप डॉग शो में जाइए और हम गारंटी करते हैं आप डीएनए टेस्ट कीजिए तो देखिएगा किसी का पेडिग्री के साथ किसी को मिलेगा नहीं। हाँ,
तो दो चार जो इंपोर्ट आते हैं वही लोग का ओरिजिनल रहता है। अच्छा इंपोर्ट बैंड है तो स्मगलिंग हो रहा है। तो इसके लिए भी तो अगर मिलियंस ऑफ डॉग लवर जो है ये एक साथ नहीं जुटेंगे तब तक गवर्नमेंट हम लोग का बात सुनेगा नहीं। हम लोग दो चार प्राइवेट क्लब बना लिए तो 200-100 आदमी इसमें फायदा उठा रहे हैं, तो इसके लिए कोई गवर्नमेंट सुनने वाला नहीं है। अगर मिलियंस ऑफ पीपल एक साथ हो जाए, उसका प्रॉब्लम एक साथ किया जाए तो तब बेनिफिट मिला जाएगा। और इससे जो ह्यूज रेवेन्यू कलेक्शन का एक रास्ता है, जो पैसा छोटा छोटा क्लब बना के आदमी लोग लूट रहा है, ये अगर एक ठीक से किया जाए तो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनेंस भी रहेगा और देखा जाएगा डॉग गेम का बहुत बढ़ोतरी किया जा सकता है। जैसे कि आपका बड़ा बड़ा शहर में तो आप डॉग के लिए ग्राउंड भी खरीद सकते हैं, रेगुलर उसमें हर किसी का एक्टिविटी हो सकता है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में है। इतना बड़ा देश इतना तरक्की की कर रहा है, आगे बढ़ा हुआ है सर कुछ चीज़ में। हम लोग तो आईटी में इतना आगे चल गए हैं, हम लोग का सब कुछ देखिए इतना बढ़ रहा है आगे, मगर डॉग गेम इतना एक तो खराब जगह में और इतना माने एक्सप्लॉइटेड है बाय सम इंडिविजुअल्स, इसको ठीक करना मेरे लिए हम सबसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग सोचिए और एकजुट होइए इसको बढ़ाने के लिए। प्रॉब्लम है हम बताते हैं, मेरा डॉग 2017 में डॉग ऑफ द ईयर के लिए कम्पीट कर रहा था। कौन सी ब्रीड? डोबरमैन, उसका नाम लैंस। लैंस वर्ल्ड फेमस डॉग था और 2-3 साल से जीत रहा था। तो मेरा डॉग जो है वो पूना में डॉग शो जब करने गया, पूना में डॉग शो सैटरडे को था, 28th of January 2017। तो उस दिन मेरा जब डॉग गया तो वहाँ पर वो लोग तो आगे से डिसाइड कर लेता कि कौन, एक तो सिंडिकेट है जो पैसा लेता है, जो लोग डिसाइड कर लिया कि कौन कुत्ता जिताएगा, हमारा मेरे कुत्ते को रोकने के लिए वो लोग पूरा एक तो प्लान बना के रखा था। तो किसी वाले पैसे लेते हैं? हाँ एकदम लेते ही है, सब जानता है, ऐसे कोई हम बोलेंगे तो जानेगा, ये बात नहीं है। ये तो पैसा लेने का चक्कर है, वो लोग का एजेंट है और ये एक सिंडिकेट है और इसका जो उसका साइकोफाइंड्स है, साइकोफाइंड्स मैंने चमचे हैं, ये केनल क्लब वो लोग चलाते हैं, ये सब केनल क्लब में चलाने में तो फायदा ही फायदा, क्योंकि वो तो स्पॉन्सर करते एग्जिबिटर जो जीतेगा। हम जीतने मांग रहे हैं, हम पैसा देंगे, हम जज को बोलेंगे भाई मेरा लिए सब बंदोबस्त करो, मेरा कुत्ता को जीतना है, तो यही सब से पैसा बांटा जाता है। तो मेरा डॉग जो हुआ वहाँ पर जब पूना में गया तो वो लोग उसको डिस्टर्ब करने के लिए पटाखा छोड़ रहा था, बलून छोड़ रहा था, मैंने एकदम बहुत कुछ कोशिश कर रहा था। तो करते करते जब डॉग को तो जज को भी फिक्स किया था, फिर रिंग स्टूअर्ट भी फिक्स किया था, फिर जो भी हुआ मेरा दूसरा दिन चंडीगढ़ में शो था, सैटरडे पूना दूसरा दिन चंडीगढ़। चंडीगढ़ पहुंचने के लिए हमको रात का फ्लाइट लेना था और रात को एयरपोर्ट जाना था, भोर का फ्लाइट से दिल्ली पहुंचना था और वहाँ गाड़ी खड़ा रहेगा, वो गाड़ी जाएगा चंडीगढ़। तो ये लग क्या किया, रास्ते में 8-10 तो मोटरसाइकिल भेजा, पूरा आर्म्स लेके पूरा छुरी चक्कू लेके भेजा और मेरा हैंडलर को गाड़ी रास्ता में रोक दिया। उस समय फ्रेंटिक फ़ोन करने लगा मेरे पास, तो हम बहुत चिल्ला बिल्ली किए, तो हम क्लब वाले लोग को फ़ोन किया, गाली देने लगे, बोले तो जो भी हो वो केस रजिस्टर्ड हो जाता, मगर रजिस्टर होने से हम लोग फ्लाइट मिस करते। कौन सा क्लब था ये चंडीगढ़ का? चंडीगढ़ में शो था, क्लब का हम ज़्यादा किसी का नाम लेने वाले नहीं है, वो तो सब जानता है आप लोग, कोई स्टोरी नया नहीं है। हमने जो चैनल बनाया, हमने बनाया काम चलता के। हाँ हमें केसी है कि हम ना चमचे हैं, नाम किसी क्लब वाले को नहीं, नहीं चमचे कीजिए, तो नहीं नहीं नाम हम लेने नहीं मांग रहे, क्या जरूरत भी नहीं है, सब जानते हैं हम जो बोल रहे हैं, वो मेरा इशारा से सब जानते हैं। मेरा नाम से पॉडकास्ट भी चालू है, पेट टॉक विद पार्थो, कोई भी गूगल करेगा मिल जाएगा, उसमें मेरा ऑनगोइंग है, हम सब हाईलाइट किए हैं, तो मेरा छुपाने का कुछ है नहीं, हमको किसी से नया से कुछ लेने का नहीं है, क्योंकि हमको हम जो जज बने ये सब जो लोग अभी है ये लोग का दया से नहीं बने हैं। हम बहुत आए वो यंगेस्ट जज इन द कंट्री एंड हमको जब महाराजा जयजीत सिंह और बारिया फिर
आर पी मिटर, नवाब नज़ीर अरजान, ये सब का, प्रिंस अहमद हुसैन, ये लोग का इनक्रेजमेंट में हम जज बने थे। तो कोई सब चीप आदमी लोग जो अभी कैनल क्लब लूट रहा है, वो सब का कोई हम ये नहीं था कि हमको बनाने के लिए। खैर जो भी है, मेरा डॉग को वो लोग लो, फिर वो लोग कोई हिसाब से हम छुड़ाए फोन उन करके। तो ये हम, मेरा बहुत दुख आया कि ऐसे डॉग गेम ऐसे जगह में आया कि एक एग्जिबिटर को रोकने के लिए गुंडा भेजा जाता है, रात में गाड़ी रोका जाता है। हाँ, तो उसका बात क्या हुआ, हम 28 तारीख हुआ था, 29 तारीख गुजरो, तो हम ये लिखे थे, लिखे थे कि हम किसी को हम ब्लेम नहीं करते हैं, मतलब ये डॉग गेम में ये हुआ था, क्योंकि हम चाहते थे कि सब जाने। तो ये लोग क्या किया, जब हम दिए तो कोई फेसबुक पे दे दिया, तो फेसबुक पे दिया तो वो लोग बोला यार तुम ऐसे लिख दिए बने, हमको बोला कि तुमको हम लोग ये करेंगे, सस्पेंड करेंगे, तो सस्पेंड तो कर ही नहीं सकता, तो जैसे किया तो हम कोर्ट गए, तो कोर्ट से हमको इंजंक्शन भी मिल गया अगेंस्ट द सस्पेंशन। हाँ, मगर ये है कि आई डू नॉट वॉन्ट टू जज जब तक नहीं ये आदमी लोग को हम लोग केस कर रहे हैं। केस का फैसला होने वाला था, मगर कोरोना का एक्सक्यूज देके वो डेट उठ लेके अभी फाइनल मोटा मोटी फाइनल हियरिंग आया था, हमको मद्रास का जाने का टिकट विकट भी बना हुआ था, तो हाईकोर्ट से बोला कि कोरोना हुआ है इसलिए डेट मिला है। तो यही है ये सबका चेहरा, दिस इज द पीपल हु आर रनिंग द गेम। केसीए के आप जज रहे, कितने साल रहे वैसे एफसीए के? 35 इयर्स अभी भी है, अभी हमको तो लीगली आई एम नॉट स्टॉप था। हम मान लेते हैं अभी भी एफसीआई ने आपको जज बनाया। हाँ, कैनल क्लब ऑफ इंडिया की कोई तीन बातें अच्छी और तीन बातें बुरी पूरी दिल से बता देना, क्योंकि इंटरनल न्यूज किसी के पास नहीं होती। देखिए, तीन बातें मैंने मेन कारण है, ये डॉग गेम बहुत अच्छा जगह में था इंडिया में, इसको प्लान करके कनाइवेंस में इसको मद्रास में लाया गया। मद्रास में जो लाया वो ला के इसको पूरा कब्जा करने लगा और रास्ता निकालते रहा कि कैसे इसको लूटा जाए। और इसको पॉपुलर होने में हम ये बोल सक रहे हैं कि हम बहुत नजदीक से इन लोग को देखे हैं, हम बहुत साल कमिटी में रहे हैं, तो क्या हिसाब से ये लोग चलाता है सब हम जानते हैं। हम ऐसे चैनल में बोलने नहीं चाहते, छोटे बने क्या नहीं किया है ये लोग करके। ये लोग जैसे कि डॉग गेम पॉपुलर नहीं हो, जैसे कि यंगस्टर सब है जो लोग को जज होना चाहिए, जो लोग चाहता है कि हम लोग भी बढ़े, हम लोग भी ग्रो करें, हम लोग भी रिकॉग्निशन मिले ब्रीडर हिसाब से, हम लोग को सिखाया जाए, हम लोग को बोला जाए कि गेम को कैसे डेवलप किया जाए। और डॉग गेम माने ये नहीं कि जज को पैसा दो और क्लब को पैसा दो और जीतो, तो उसमें क्या फायदा क्या है, डॉग गेम तो ये नहीं है। हाँ, कोई थोड़ा मोहत कोई जानकार हुआ तो कोई बोल सकता ठीक है थोड़ा फेवरेटिज्म हो गया, ये दूसरा बात है, मगर अगर कंप्लीट डॉग गेम जैसे फिक्स हो गया तो ये डॉग गेम चलेगा। 19 डॉग का ऑलरेडी शो हो रहा है केसीआई के अंडर में नॉर्थ ईस्ट में, 20 डॉग शो कर रहा है, उसमें कौन जा रहा है, दो ठो इंटरनेशनल जा रहा है फॉरेन कंट्री से, तो आके वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, 19 तो डॉग प्रेजेंट है उसमें, जो फोटो ले रहा है कि ये जज का बेस्ट 300 मिला है। अरे वैसे तो फायदा क्या है उसमें, तो वो लोग जो देख रहा है फेसबुक में वो तो नहीं देख रहा कि 19 डॉग है ना 1900 डॉग है, ये तो पब्लिक को खाली धोखाबाजी। कुत्ता तो इंडिया में कुत्ता जुगाड़ करना मुश्किल हो गया, काहे आदमी काहे डॉग गेम से मुंह घुमा लिया, काहे नहीं डॉग शो जा रहा है, क्योंकि अगर जानता ही है कि वहां क्लब का क्लब जो चलता है, जो डेकोरेशन कर रहा है, जो प्राइस खरीद रहा है, जो दारू पी रहा है, जो खर्चा कर रहा है, ये सब तो एग्जिबिटर का पैसा से, जो एग्जिबिटर जीतेगा। तो ये डॉग गेम का कोई मीनिंग नहीं है, इसको चेंज करना जरूरी है। और एक बात बोलने के, देखिए और भी कैनल क्लब है जिसका अदरवाइज लीगली स्टेटस एक ही है इंडिया में, वो लोग भी अभी इंटरनेशनल एफिलिएशन लिए हैं, वो लोग छोटे छोटे क्लब है, मगर जो करना है ये है, फर्स्ट इज आप डॉक्यूमेंटेशन को परफेक्शन लाना, इसके लिए हर कुत्ता को डीएनए होना चाहिए और ये डॉग गेम को स्प्रेड कर देना चाहिए कि हर आदमी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। जज का है खाली हम बनेंगे और दो चार आदमी बनेगा, जज का बनने का हक हर
डॉग लवर को हो सकता है, जो सीखेगा जानेगा तो कहीं नहीं होगा, एग्जाम देगा पास होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी तो आपको देने होगा आदमी लोग को। हम मेंबरशिप को 2500 रुपया था, उसको 50,000 कर दिया, तो कोई 50,000 देके काहे मेंबर होगा। दादा एक सवाल और पूछता हूँ। हाँ, कैनल क्लब ऑफ इंडिया में एक होता है लाइफ मेंबर। हाँ, उसका क्या मतलब? कुछ ही मतलब नहीं है ये तो। अभी जो है जो बैलेट उन लोग को हाथ में देगा, जो यहाँ तो चीटिंग बाज लोग जीटा उजुट गया है पूरा। एक तो ग्रुप ऑफ पीपल है जो दूसरा आदमी को बुड़बक बना रहा है। हाँ, तो अरे अपॉर्चुनिटी दे, खोल दे। जैसे कि छोटा देखिए, इंडोनेशिया एक तो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ 5% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, उसमें अगर 1% डॉग लवर हो सकता है तो उसमें कितना हजार मेंबर है आपको कोई आइडिया है? और यहाँ देखिए 200-300 मेंबर है। ये काम क्या होता है 200-300? कुछ मेंबर कुछ नहीं, काम कुछ नहीं है, बैलेट दे देना खाली। आप तो कुछ करेंगे नहीं, खाली बैलेट आपको पहुंचा देना है और कमिटी में जाएंगे तो कुछ बोलने का नहीं है, एक दो आदमी चलाएंगे और बाकी जो है चमचे हैं लोग। ये लोग सेटिंग कर रहे हैं कि कैसे क्या, कौन एग्जीबिटर आ रहा है, किससे पैसा लिया जाएगा और कैसे चलाया जाएगा। मतलब कोई योगदान नहीं है? कोई योगदान नहीं है, खाली अपना। आप देखिए, एक तो अभी रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज ऑर्डर दिया है कितना करोड़, 1.5 करोड़ ना कितना रुपया लौटाने के लिए, 8.5 लाख रुपया तो ऑफिशियल तनखा ले रहे हैं। एक तो क्लब सेक्रेटरी जो कोई रजिस्टर जो क्लब रजिस्टर्ड क्लब है, सेक्रेटरी पैसा ले सकता है, ऑनरेरी सेक्रेटरी, खाली सारा दिन खाली बिल बना रहा है और पैसा लुटा जा रहा है। ये पैसा जो लोग उसको सपोर्ट कर रहा है, ये लोग को भी फायदा मिल रहा है। किसी को चाह रहे कि हम जज बन जाएंगे, इंटरनेशनल हो जाएगा, तो सब चल रहा है। इतना ईजी है, जब तुम्हारा रेपुटेशन ही इंडिया खराब कर दोगे तो कोई फॉरेन में बुलाएगा तुमको? अगर हमारा स्टैंडर्ड हमको बुला लेगा दूसरा बात है, छोड़िए वो तो वहां जाते ही तो ऑनररी जॉब है, ये बात नहीं है। मगर एज इंडिया एज ए डॉग गेम कंट्री इसका सम्मान बढ़ाना चाहिए। हम लोग अच्छे अच्छे आदमी को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा आदमी तो सब भाग जा रहा है, डॉग गेम आता देख दो दिन देखेगा तो भाग जाएगा, बोला ये डॉग शो मेरे लायक नहीं है। कुत्ता कोई खरीदने आता तो पहले बोला हम लोग डॉग शो जाएंगे नहीं, अच्छा कुत्ता लेंगे मगर डॉग शो जाएंगे नहीं। दादा इसी क्वेश्चन में आप एक पूछता हूँ, हम ब्रीडर मान लेते हैं, बड़े बड़े केसीए के ब्रीडर मैंने कवर किए, हाँ, बेबी बच्चे भी बेचते हैं शो क्वालिटी। हाँ हाँ, एक वर्ड आता है शो क्वालिटी। हाँ, लेकिन वो कुत्ते कहाँ जाते हैं, वो तो शो में दिखते ही नहीं है। हम बताते हैं, सुनिए, आप हम ब्रीडिंग का एक ठो देते हैं, माने एक ठो क्या बोलते हैं तत्व देते हैं, माने जिससे आप समझेंगे कि ब्रीडिंग डॉग शो शो क्वालिटी ब्रीडिंग कितना डिफिकल्ट है। आप अगर बहुत अच्छा दो पेयर को एक साथ ब्रीडिंग भी करेंगे तो उसमें से शायद एक आध अच्छा बच्चा निकल सकता है। तो सुनिए, एक ही आध सौ निकल सकता है, वो तो यहाँ तो ब्रीडर अपने ही नहीं जानता क्या अलग, तो उसको तो आठ। देखिए फॉरेन कंट्री में आपका ग्रेडिंग होता है, ये बच्चा एक दो बच्चा शो क्वालिटी है, ठीक है, ये जो जेन्युइन डॉग शो में जाएगा उसको दिया जाएगा, उसका दाम हम ये रखा, बाकी जो है उतना अच्छा नहीं है दिया। उसमें वहां का ब्रीडर लोग तो पेपर भी विथहोल्ड कर देता है कि हम दो बच्चे का पेपर देंगे, बाकी का देगा नहीं, कि ब्रीडिंग नहीं करे। यहां तो पहला से 10 नंबर बच्चा सभी शो क्वालिटी है और सब खाली पेडिग्री। क्या पेडिग्री से थोड़ी जजिंग होता है, डॉग देख के जजिंग होता है। आप जितना भी अच्छा ब्रीडिंग करेंगे उसमें 10 से 10 बच्चे के अच्छा होता है। हाँ, अच्छा कॉम्बिनेशन होता है तो हाँ, एक तो स्टैंडर्ड होता है ते माने नहीं। तो उसमें क्या है, यहाँ तो खाली कमर्शियलाइजेशन, खाली आदमी को भूवक बनाना, कोई जानता नहीं शो क्वालिटी, इसका 1 लाख, इसका 50,000, इसका 60,000, क्या किसी का हिसाब। तो जो केनल क्लब भी चोरी कर रहा है तो ब्रीडर लोग तो ऐसे ही होगा, दे ऑल्सो रेडरलेस, उन लोग को जानकारी कहाँ से होगा। अच्छा केनल क्लब होगा, कुछ अच्छा माहौल होगा, वहां से नॉलेज स्प्रेड होगा, तब तो। एक ब्रीड आती है एम्स्टर्डम, हाँ, आपने सुनी होगी। हाँ हाँ, अमेरिकन स्टैफोर्ड टेरियर, उसको अगर कंपटीशन दिया जाए अमेरिकन बुली से, तो आप क्या जज करोगे दोनों में से? नहीं नहीं, बात सुनिए, बात है कि हम लोग जो कंपटीशन डॉग शो कैसे जजिंग किया जाता है, हम बहुत नटखट में थोड़ा हमें समझा देते हैं। सुनिए,
एक डॉग को पहले जजिंग किया जाता है अपना स्टैंडर्ड के साथ। ये सोचिए कि ये बहुत एक तो डॉग है, ये इसका स्टैंडर्ड है, ये होना चाहिए, और ये डॉग है। हम देखिए ये इससे कितना नजदीक स्टैंडर्ड से, ये कितना नजदीक स्टैंडर्ड से, ये कितना नजदीक स्टैंडर्ड से, सुनिए। फिर हम ये तीनों जो है, तीनों में जो ज्यादा नजदीक वो फर्स्ट होगा, जो उससे कम नजदीक वो सेकंड होगा, जो उससे कम नजदीक वो थर्ड होगा। इस हिसाब से डॉग्स को जजिंग करना चाहिए। अगर रिंग में अमेरिकन बुली खड़ा है और एम्स्टर खड़ा है तो कौन सा जीतना चाहिए? सुनिए, अमेरिकन बुली अगर बहुत आउटस्टैंडिंग होगा उसका स्टैंडर्ड का माफी, और एम्स्टेफ अगर उतना अच्छा नहीं होगा अपना स्टैंडर्ड का माफी तो बुली। अगर एम्स्टेफ 7 कंट्री चैंपियन हो फिर कौन सा जीतना चाहिए? सुनिए, 7 कंट्री चैंपियन मेरा पास उतना माने नहीं लगता। कहा नहीं माने लगता है, ये भी आपको समझना है ना, ये चैंपियन का क्या मतलब है? जो छोटा छोटा यूरोपियन कंट्री है वहां तो कहाँ डॉग्स है, ये लोग तो कमर्शियल खाली वहां से ये सब टाइटल देके इंडिया उंडिया जो लोग समझता नहीं उन लोग को बेच के बुलडॉग बना के लेने के लिए। वहां तो बस में हैंडलर लोग को दिया जाता है, बस में सब डॉग भर के डॉग्सो जाता है, एक हफ्ता शो कर लिया तो 7 कंपनी कंट्री चैंपियन हो गया। अच्छा, तो ये कोई जानता है? ये जानकारी तो पहले जरूरी है। आप अमेरिका में जाइएगा, बोला अमेरिकन चैंपियन है, अरे तो देखिए, अरे कहाँ कहाँ कौन कौन शो किया, एक वहां बात है तो पेट्रोल चैंपियन का माने कौन है वो जानता है? आप जानते हैं पेट्रोल चैंपियन किसको बोला जाता है? क्योंकि जितना दूर जाइएगा, समझ गए, जहां पर कंपटीशन पहुंचेगा नहीं तो आप वहां पर जीतेंगे, इसीलिए उसको बोला जाता है पेट्रोल चैंपियन। तो यह तो नहीं जानता, आप तो देखेंगे अमेरिकन चैंपियन, हम तो जानते हैं वो पेट्रोल चैंपियन है। मेरा पास तो वो नहीं आएगा, हम तो कुत्ता, हम अभी भी सीख रहे हैं मगर थोड़ा बहुत तो नॉलेज किए हैं हम तो। डॉग देखे पता चल जाएगा कि क्या डॉग है, वो अमेरिकन चैंपियन है कि क्या झोपड़पट्टी का चैंपियन है। कुछ भी लगा देने के लिए तो मेरा पास उसका कोई माने नहीं लगता ना। नहीं, हम तो सीधा बात बोलते हैं, हम तो दूसरा आपको हमको बोलने का जरूरत किसी को खुशी करने के लिए तो बोलना नहीं। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 3 खामियां बता दी आपने, खामियां तो बता दी, केसीआई को ये करना चाहिए, कोई उसमें अच्छी। सुनिए, हम केसीआई को क्या बोलेंगे, केसीआई तो पहले जो है उसका तो कोई माने ही नहीं रखता। ये लोग तो खाली चोरी में, अगर आप उसको पलट के दूसरा आदमी बैठेगा कोई अच्छा होगा? ये सिस्टम को तो खत्म करना चाहिए। कैसे होगा सर? अगर आप सबको नहीं एंट्री देंगे, जो आपका एक डॉग गेम एंट्री करने के लिए हर आदमी, अगर नेशनल क्लब बनाएंगे, इंडिया तो कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है, इंडिया 30 स्टेट है, आप सोचिए यूरोप में 30 कंट्री है, वहां पर एक कंट्री से एक कंट्री ड्राइव कर एक स्टेट से एक से चला जाएंगे तो अगर 30 कंट्री एक साथ हो तो ये छोटा मोटा कंट्री नहीं है। और इसका जो आबादी है, इसका अगर 30% आदमी को आप एम्पावर्ड मानते हैं कि जिसका पास पैसा है, जिसका पास डॉग पाल, ये तो एक जनरल हो गया, उसका पास जो डॉग गेम को सपोर्ट कर रहा है, जो इतना बड़ा एक तो पेट मार्केट है, इसके लिए जो ट्रेनर लगता है, हैंडलर लगता है, ग्रूमर लगता है, हर कुछ में जो काम आता है ये लेके, तो ये फैमिली बहुत लंबा चौड़ा है। तो इसको तो दिक एक तो जैसे कि बाहर में देखिए ग्रूमिंग जो पार्लर रहता है, आप देखिएगा शो में सब ग्रूमिंग एग्जामिनेशन रहता है, वहाँ सर्टिफिकेट दिया जाता है, आदमी कोशिश कर रहा है कैसे इंप्रूव करेंगे, सीखने का एक तो माहौल बना के रखा है, अच्छा अच्छा आदमी, अच्छा अच्छा जज, अच्छा अच्छा जो एक्सप्लेन कर सकता है, समझाने सकता है, वो लोग से डॉग गेम को सिखाया जाता है। और यंग लड़का लड़की को उठा के चंप चाइना का बात कर रहे हैं, वो लोग तो कुछ दिन आगे डॉग शो ही नहीं कर होता, कुछ नहीं था मेरा सामने तो कंट्री में, आप देखिए वो लोग कितना डेवलप कर गया, बच्चा यंग सब लड़का लोग लड़की को सब ये लोग ट्रेन करके जज बनाया है। तो ये लोग जो होगा बाहर में जाके, ये लोग जजिंग करते करते ये लोग सीखे, ये लोग को सीखना ही होगा, दे आर ऑल कॉम्पिटिंग अगेंस्ट ईच अदर, कि हमको नॉलेज चाहिए, हम लोग को जानकारी चाहिए। अगर हम लोग जाते तो हम लोग को हमसे हम लोग से देखते हैं कि कुछ सीख सकता कि नहीं,
ये रहना चाहिए। इसको तो हम लोग तो दूसरे आदमी को स्कोप देना चाहिए, खाली कुत्ता बच्चा उठाओ और बेचो और मुनाफा लो और केनल कप भी लगा हुआ है पैसा बनाने में, एक आध आदमी एकदम लूट रहा है, चमचा चमचा लगा दिया है। हाँ, ये तो खत्म करना बहुत जरूरी है दादा। हमने कई शो अटेंड भी किए, आम जनता तो होती नहीं है किसी भी शो। हाँ, आजकल नहीं है, आगे तो आम जनता जाता था, एंजॉय करता था। आप अगर एक तो नया आदमी डॉग शो में जाएगा, हमारा जमाने में जब हम क्लब चलाते थे तो नया आदमी अगर देख लिया तो उसको बुलाते थे, चेयर देते थे, चाय पिलाते थे, बात करते थे, उसका उसका उसको सॉल्व करते थे कि देखिए मेरा डॉग है, हम शो तो पहला बार देखने आया, बोला अरे डॉग लेके आइए, हम लोग देखेंगे आपका डॉग का क्या खूबी है, डॉग शो में लेके आइए, हम लोग कितना प्यार से उसको डॉग में लाते थे। और अभी कोई नया आदमी जाता तो उसको मुर्गा पकड़ लेता कि उसको कैसे नोचा जाए। हाँ, तो नया आदमी जानता नहीं है कुछ भी, कुत्ता वो लोग जान गए कि पैसा देने से जीतता है, ये लोग बहुत घटिया कुत्ता खरीद लिया आया कितना पैसा, तो पहला पहला देख क्लब लोग उसको लूट लेगा, वो बेचारा एक तो खराब कुत्ता लेके उसका ट्रेनर भी सारा सारा साल उससे पैसा लूटेगा और फिर बोलेगा देखिए जज जो है ना बहुत चोर है इसलिए देखिए उसको दे दिया, आपका कुत्ता जीतना चाहिए था ना, डॉग ओनर कुछ सीखा कुछ जाना, यही तो बहुत हो गया। तो ये कितना दिन चला, ये डॉग गेम में हमको ना जाना है इसको हम एक चीज और बता छोटा जब आप कहीं जजिंग करने जाते थे, हाँ, क्लब वाले कभी बोलते थे आपको इसको जिता दो इसको जिता दो? सुनिए ये तो क्लब वाला जो हम तो सुनिए इंडिया में बहुत दिन बहुत कम जजिंग कर रहे हैं क्योंकि हमको बोल के जिताना बहुत मुश्किल है, मतलब आपको फोर्स करते थे वो जिताने के, बोल बोल ही सकता है कोई, बोल दिया तो कोई क्या गुनाह कर दिया, कोई बोल सकता है, अगर बोल दिया तो अगर मान लिया तब ना हम तब हुआ, कोई जानता नहीं है, हमको बोला था कुत्ता जरा देख लीजिएगा क्या क्या खराब, अब तो उसके लिए कोई मानते, हमको अगर कोई जबरदस्ती किया, हमको एक बार बहुत बड़ा शो में हम गया था तो हम बोले थे वहां से हम जजिंग नहीं करेंगे चले जाए, हम सब जानता है, हम बोले कि हम बंगाल से आए चूड़ी पहन के नहीं, हमको फोर्स कभी नहीं कोई कर सका, कोई एग्जिबिटर इंडिया में हमको फोर्स करके जीता नहीं, हाँ प्यार से जीत गया होगा, किसी को हमको अच्छा लग गया ठीक है 19-20 हम दे सकते हैं, वो गलती हम किए हैं मान लेते हैं, मगर ये नहीं कि कोई हमको जबरदस्ती जिता लेगा, और ऐसे कोई हम जिताएंगे नहीं जो ब्रीड को नुकसान करेगा, जो डॉग गेम को नुकसान करेगा वो हम देने नहीं सकते, कोई हमको बोलने नहीं सकता, मेरा कितना भी दोस्त हो मेरा बेटा भी बोलेगा तो हम देगा नहीं, तो नहीं तो जो डॉग शो में तो पैसा नहीं है, आजकल ये लोग पैसा बनाया है फ्री, सब तो फ्री होना चाहिए, ये फॉरेन कंट्री में जाते हैं एक पैसा नहीं मिलता है, कोई कोई जगह में थोड़ा बहुत पैसा देता है, तो जाना आना खाना पीना उसमें क्या है, हम तो घर में अच्छा ही खाते हैं अच्छा रहते हैं। हाँ, मगर ये अगर जब पैसा नहीं है तो ओनर तो रहना चाहिए, तो 5-star होटल में क्या आ जाता है, हम क्या 5-star से कम रहते हैं, मेरा जो ये रूम देखते हैं इतना बड़ा टॉयलेट तो 5-star हमको देता नहीं, इतना बड़ा टॉयलेट तो हम यूज करते हैं, तो हम बोलते हैं मेरा लिए तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बात है कि डॉग शो में जाएंगे अगर ऑनर नहीं रहा। एक बड़े ज्ञानी थे उन्होंने मुझे बोला था, कहते सर्बिया में एक शो होना था, हाँ, शो में उन्होंने क्या किया, संडे का दिन था, उन्होंने कहा कि यार एक काम करो सारे रॉड वाइलर बुलाओ 25-30-50 जितने हैं, एक खाली मैदान खाली हुआ है वहां पर घास कट गई है वहां पर रिंग बनाते हैं और चले जाते हैं, कहते हैं उन्होंने जज को फोन किया वो साइकिल पर आ रहा था साइकिलिंग करते, हाँ, वो शो करके चला गया, हाँ, इंडिया में पूरी शो की 3 महीने पहले अनाउंसमेंट होती, हाँ, फिर उसके बाद बुक्स छपती है, हाँ, उसके ऊपर नाम छपते हैं, एडवर्टाइजमेंट चलती है, हाँ, फिर जजेस बाय एयर आते हैं, हाँ, फिर 5-star होटल में रहते हैं, आम जनता को तो पता लगना चाहिए ये कुत्ते का रेट तो ये बढ़ा रहे हैं, ब्रीडर थोड़ा बढ़ा रहे हैं हम एक तो ठीक बोल रहे हैं, आम जनता की अगर रेट बढ़ाया है तो आम जनता से तो केसीआई ने बढ़ाया उल्टा, किसी ब्रीडर ने नहीं बढ़ाया,